हेलो, माय इंस्टाग्राम फैमिली, ये एब्सोल्युटली हेलो, विनीता स्पीकिंग, यस, फ्रॉम कायनात ब्यूटी पार्लर. ओह माय गॉड सर, नो, ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव सर. नमस्ते सर, नमस्ते, आपको मेरा प्रणाम. ओके, जी सर, ओ माय गॉड सर, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन. व्हाट मी? नहीं, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, आप मजाक तो नहीं कर रहे? कई बार ऐसा होता है ना कि अचानक से कोई कॉल आ रही. नहीं, मेरे को मजाक वजाक अच्छा नहीं लगता ना सर, तो आप मजाक नहीं कर रहे हैं? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली यू गेट अ बेस्ट रिजल्ट, यू नेवर गेट दिस टाइम आवर रिजल्ट. हमारा कायनात ब्यूटी पार्लर इसीलिए तो फेमस है क्योंकि हम गोरे को और गोरा कर देते हैं और हम काले को भी गोरा कर देते हैं. बिल्कुल सर, बिल्कुल. इट्स नॉट, इट्स माय प्लेजर सर. या मैं एक घंटे में आती हूँ सर. ओके सर, ओके, माय प्लेजर सर. ओके ओके बाबा सर, यस आई विल रीच ऑन टाइम सर. यस मैम, शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के बेटी की शादी है आज और उसका लुक हमें करने का दिया है ब्राइडल. क्या बात कर रही हो मैम आप? हाँ, उनका अभी कॉल आया था मुझे. उनको दूसरी जगह करना होगा, गलती से लगा होगा आपको कॉल. उन्होंने स्पेशली कॉल किया था मुझे. उन्होंने मेरा नाम लिया, कायनात ब्यूटी पार्लर विनीता से मुझे बात करनी. उन्होंने स्पेशली मुझे बोला है उनके बेटे का लुक करने के लिए. तू पागल वागल है क्या कोयल? इतने बड़े बिजनेस मैन, उनका कभी रॉन्ग नंबर लग सकता है क्या? और उन्होंने स्पेशली बोला है कि हम जितना चाहे वो उनसे उतना पैसा ले सकते. हमारा काम भी तो वैसा होना चाहिए ना मैम. तो आ मत मेरे साथ, समझ गई? ऐसा मुंह खोलेगी कि बेइज्जती करा देगी. तो आ मत मेरे साथ, तू मत आ मेरे साथ. नो मैम, मुझे आना है आपके साथ. आना है ना हमारे साथ? तो ठीक है सर, जितना भी सामान है ना पैक कर लेगी. हमें नहीं पता है कि ब्राइड क्या पहनेगी, उसका लहंगा किस कलर का है, उसका ब्लाउज कैसा है, कैसा नहीं, हमें कुछ नहीं मालूम. तो जितने भी हमारे वैनिटी में हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं सब रख ले, क्योंकि हमें आज बहुत ही अच्छा मेकअप करना है. कोयल, समझ गए? कहाँ है हाई क्वालिटी मैम? है मैम, है हर ब्रांड वाले हैं मैम. अभी तो नाम भी नहीं याद आ रहे कौन कौन से वाले हैं मैम. एक्सपायरी डेट वाले, नॉन एक्सपायरी डेट वाले सब रख लेती हूँ मैम. कोयल, तू अपना मुंह बंद रख, समझी? समझ आया? नहीं तो वहां से मैं तुझे धक्के मार के निकाल दूंगी. इतनी बड़ी डील है मेरे जिंदगी की, मेरे करियर की सबसे बड़ी डील है आज, पहली बार मुझे मिली है. समझी? समझ में आया तुझे? अच्छे से जो सारा सामान हमारी वैनिटी में जो जो है रख के पैक कर, हमें चलना है. और सुन, मैं आती हूँ थोड़ा सा अपना टचअप करके. इतने बड़े घर में पहली बार जा रहे हैं, कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए हमारा भी. जा तू रख सब. पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ जाके मैं आपसे कुछ गलती होने वाली है. वैसे भी वो हमेशा गलती करती रहती है. और मुझे क्या करना है, कुछ होगा तो वही भुगतेंगी. मैं तो जाऊँगी, खाऊंगी, पीऊंगी, आश करूंगी और चले आऊंगी अपनी कायनात ब्यूटी पार्लर. मैम, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. कहाँ से बड़ी डील मिली है ना मैम? आइए आइए, स्वागत है आपका हमारे घर में. काफी अच्छा घर है आपका, काफी बढ़िया. लेकिन लग नहीं रहा है कि शादी का घर है. नहीं, मेरा मतलब शादी के घर में काफी भीड़ भाड़ होती है और यहाँ तो काफी सन्नाटा दिख रहा है, बस इसलिए बोला. जी ऐसा है कि हमने शादी में कम ही लोगों को इनवाइट किया है. मैं, मेरे पति और मेरी बेटी. मेरे बेटी के होने वाले पति और उनके माँ बाप. मैम, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? ओके, दुल्हन कहाँ है जिसका हमें मेकअप करना है? हाँ ना, वो भी. आप पहले बैठिए. ओके, फाइनली वी आर गेटिंग मैरिड. क्या करूँ मैं तुम्हारा? वी आर गेटिंग मैरिड. मैच कैसे दिख रही हो? मैम आज तो आप सूत्र
असली बम जैसा दिख रही हो मेरी फुलझड़ी। कुछ लाऊं आप लोगों के लिए? चाय, गर्म पानी, ठंडा? नहीं नहीं, पानी वगैरह हम लोग कुछ नहीं लेंगे। दुल्हन का है जिनका हमें आज लुक करना है। हाँ, शायद से वो किसी इम्पोर्टेंट कॉल पे है। अच्छा, उनसे आप कह दीजिए कि जल्दी करें, क्योंकि अभी इनके मेकअप के बाद मुझे दूसरे मेकअप के लिए भी जाना है। हाँ, मैं बोल के बुला कर लाती हूँ जी। ओ मैम, आप कितना झूठ बोलते हो मैम। हमें तो बस आज यही एक मेकअप करना है, इसके बाद तो हमें वापस अपने कायनात ब्यूटी पार्लर जाना है मैम, जहाँ कोई नहीं आता। शान कोई शान, तू कब प्रोफेशनल बनेगी? तुम मुझे देख, मैं कितनी प्रोफेशनल हूँ। कुछ जगह पे झूठ बोलना पड़ता है। मम्मी आ गई। अरे सच में आ गई है? विराट से बात कर रही थी। होने वाली है तेरी शादी, जरा कंट्रोल। बाहर तेरे मुंह आई है तेरा शादी का मेकअप करने के लिए। मम्मी अब उसको बैठाओ। और विराट डिस्कस कर रहे थे शादी के बाद हम हनीमून में कहाँ जाएंगे। शादी तो होने दे मम्मी। शादी तो होके रहेगी हमारी, कौन रोक सकता है। वो बोल रही थी उनको जाना है कहीं और, जल्दी जल्दी करो। आप उसको मिटाओ यार थोड़ी देर, बहुत इम्पोर्टेंट बात चल रही है और हमारी शादी तो होके रहेगी। अच्छा क्या हुआ? वो बस इम्पोर्टेंट बात कर रही है, बैठो थोड़ी देर। देखिए मैम, मुझे अभी दूसरी जगह भी जाना है मेकअप करने, मैंने उनको भी टाइम दे के रखा है, मैं यहाँ पे टाइम से आई हूँ। तो ये मुझे अनप्रोफेशनल लोग बिल्कुल नहीं पसंद। मैं प्रोफेशनल हूँ तो मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे साथ है, काम कर रहा है, वो भी मेरे साथ प्रोफेशनल रहे। मुझे अनप्रोफेशनल लोग बिल्कुल नहीं पसंद। मेरे पास टाइम की बहुत कमी है, बहुत शॉर्टेज है। मैं फिर भी आई आज उनका मेकअप करने। मैं उसके पास जाती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ, वो मुझे कुछ नहीं बोलेगी, मैं जाके बोलती हूँ। कोयल सारा मेकअप का सामान लेके दुल्हन के कमरे में आ। सुनिए ना, न्यूजीलैंड चलते हैं। क्या मतलब है सब जाते हैं? सब जाते हैं तो मजा तो आता होगा ना। जान चेक करना, खन्ना तो आज मेरे साथ जाओ, मेरे साथ क्यों जा रहे हो? एक्सक्यूज मी, हु यू आर, कौन हो आप? ये मैं आपकी मुआ हूँ, आज मैं ही आपका लुक करने वाली हूँ। अच्छा अच्छा, सुनो लिसन, बाबा सुनो तो। अरे सुनो ना, मेरी ना मुआ आ गई। अरे सुनो ना, सुनो ना, अभी मेकअप करने आया हमारी शादी का, हमारी शादी, हमारी शादी का। अरे बोल रहा है, तुम इतनी खूबसूरत हो, मुआ की क्या जरूरत? देखो देखो, मुआ की जरूरत है, मुझे डार्क स्पॉट्स आ गए, रिंकल आ गए। क्या दीपिका। अच्छा, मुझे आपका
करते हो आप? झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप देख सकते हो मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, दीपिका ही नाम है मेरा। वो तो फेमस जोड़ी होगी पहले से, शादी के बाद ना हमारी भी जोड़ी सबसे ज्यादा फेमस हो जाएगी। शादी तो करो पहले, मेरा मतलब है शादी का मेकअप तो करो पहले। मैडम भैया कैसा लुक रखना चाह रहे हो आप और क्या पहन रहे हो आज आप? हाँ, टुडे आई एम गोइंग टू वेयर दिस, मैं ये पहनने वाली हूँ। ये प्रॉपर अच्छी एथनिक साड़ी है और रेड काफी आउटडेटेड है। मुझे बॉलीवुड का थीम बिल्कुल कॉपी नहीं करना, मुझे ना जैसे ऑथेंटिक इंडियन ब्राइड होती है वैसे रेडी होना। मुझे अच्छा लगा कि आप कुछ डिफरेंट, कुछ हटके ट्रेडिशनल मांग रहे हो। हम बहुत अच्छा कुछ यूनिक देंगे कि आपका दूल्हा आपको देखते ही फ्लैट हो जाए। आफ्टर ऑल कायनात ब्यूटी पार्लर से आप मेकअप करा रहे हो फर्स्ट टाइम। ने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी व्यस्त है। रखो ना, तुम पागल हो गए क्या? देखो आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बस कुछ घंटे और, उसके बाद तो बात ही करना है फोन पे नहीं रियल में। नो अरेंज मैरिज लगता तो नहीं, सब ऐसे ही कहते हैं, हम मेड फॉर ईच अदर। जब वो मुझे देखने आए थे ना तब से हमारा इतना बॉन्ड बन गया, इतना बॉन्ड बन गया, हम दिन रात बात ही करते रहते हैं। शादी के बाद तो बिल्कुल बात नहीं होगी। तो चलो हम ज्यादा से फटाफट से मेकअप स्टार्ट करते हैं, टाइम भी हो रहा है। चलो हाँ स्टार्ट करते हैं। क्या करोगे आप पहले? सबसे पहले आप ये पहन के आइए, फिर हम मेकअप स्टार्ट करेंगे। मेरा भी बॉयफ्रेंड था पर इतना ओवर नहीं था। अरे भाई अभी हमारा ब्रेकअप हो गया पर इतना ओवर नहीं था। अरे भाई आपके सामने आपकी मुआ है, ऐसा कोई करता है? कोयल कितनी बार तुझे बोला है बहुत मालदार पार्टी है ये, काम ही जाती मुंह अपना बंद रखा पर काम खराब कर देती है। थोड़ी तो प्रोफेशनल बन, थोड़ी तो मेरी जैसी बन, सब खराब कर देगी, पैसे भी नहीं मिलेंगे, पार्लर हमारा वैसे ही गंदा पड़ा हुआ है, कंगाल कराएगी मुझे, रोड पे कटोर लेके भीख मांगूंगी मैं, चुप कर कोयल। मैम मैं तो तमीज से परेशान ही, आप उसको नहीं देख रही थी, इतना जोर जोर से हंस रही थी वो, बड़े घर के बच्चे।